नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, अक्टूबर का राशिफल क्या कहता है, इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, सिंह राशि वालों के लिए वीडियो जरूर ही लाभप्रद सिद्ध होगा। देखिए दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर में ग्रह स्थितियाँ कैसी रहेगी। तो आपके लग्नेश बनते हैं खुद सूर्यदेव, और वो आपकी राशि से देखा जाए तो द्वितीय भाव में रहने वाले हैं 17 तारीख तक। उसके बाद 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 तारीख से सूर्य आपके लग्नेश नीच राशि के होने वाले हैं। उसके बाद आपको संभलना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकते हैं आपको। यहाँ पर देखें दर्शकों, शुक्र की तो शुक्र देखिए 2 अक्टूबर को आपकी ही राशि सिंह में आने वाले हैं। अभी शुक्र का गोचर कर्क राशि में जारी है। आपकी राशि से द्वादश भाव में शुक्र चल रहे हैं, जबकि 2 अक्टूबर को महीने की शुरुआत में ही वो आपकी राशि में आ जाएंगे। मंगल की बात करें दर्शकों, तो मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल अभी आपके धन भाव में चल रहे हैं, 3 तारीख से वो आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। और बुध की बात करें दर्शकों, तो बुध 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अभी बुध का गोचर भी देखा जाए तो वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि धन भाव में उच्च राशि के बैठे हुए हैं। वो 18 तारीख तक यहीं रहेंगे और 19 तारीख को फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं दर्शकों, इस महीने एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु अपनी राशि मेष से निकलकर मीन में जाने वाले हैं, जबकि केतु तुला से निकलकर कन्या में जाने वाले हैं। इसका हमने एक विस्तार से वीडियो भी बनाया हुआ है, जहाँ पर राहु केतु के परिवर्तन की विस्तार से हमने चर्चा की है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, गुरु वक्री अवस्था में मेष राशि में बैठे हैं। अब देखिए दर्शकों, ये ग्रह स्थितियाँ आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगी, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की, कि शिक्षा इस महीने कैसी रहेगी। देखिए, शिक्षा भाव की बात करें तो शिक्षा भाव के मालिक गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं वक्री स्थिति में, साथ में राहु भी हैं उनके इस महीने, तो ये चांडाल दोष थोड़ा सा परेशान करेगा, परंतु ये निकलने वाला है। आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, राहु और गुरु के चांडाल दोष दूर होने के बाद में। देखिए, पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके लग्नेश देखिए धन भाव में बैठे हैं मंगल के साथ में, पराक्रम भाव पराक्रम का योग बना रहे हैं। सूर्य मंगल पराक्रम योग बनाते हैं साथ में बैठकर, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। एक तरह से मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, आपकी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत अच्छी पढ़ाई इस महीने होने वाली है। उच्च शिक्षा प्राप्ति करना चाहते हैं, कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी फॉर्म भरा हुआ है, सब में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। परंतु एक बात विद्यार्थियों को ध्यान रखनी होगी कि देखिए, इस महीने आपके शुक्र लग्न में आए हुए हैं, तो वो आपके लिए स्थितियां थोड़ी ऐसे बना सकते हैं कि आपका ध्यान भटक जाए पढ़ाई से, कहीं ना कहीं किसी अफेयर वगैरह में आप पड़ जाएं, या फिर किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट के पीछे समय ज़्यादा बर्बाद करें, सोशल मीडिया के पीछे समय बर्बाद करें। क्योंकि देखिए, शुक्र आपके लिए तीसरे भाव के मालिक होकर लग्न में आए हैं, तो ये आपका सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करवा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना होगा आपको। पढ़ाइयों के प्रति आपको एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहना होगा, अन्यथा भटकाव भी इस महीने दिखाई दे रहा है। सफलता आपके लिए अच्छी बनाएंगे गुरुदेव, साथ में सूर्य मंगल का भी अच्छा योग बना हुआ है, परंतु शुक्र भटका सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दर्शकों, बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले लोगों की, कि नौकरी में कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना। देखिए दर्शकों, नौकरी करने वालों की ओर से देखा जाए तो आपके लिए दशमेश बनते हैं शुक्र खुद लग्न में आए हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे अक्टूबर में। नौकरी करने वालों को बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि दशमेश और कर्मेश शुक्र लग्न में आए हैं, तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो स्थितियाँ आपके फेवर में नहीं थी, क्योंकि देखिए आपके दशमेश का गोचर भी द्वादश भाव में था, कार्य क्षेत्र पर चिड़चिड़ापन, एक तरह से फ्रस्ट्रेशन आपने महसूस किया है, आपके काम की एक तरह से अवहेलना हुई है, क्रेडिट कोई और ले जाता होगा, ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। परंतु जब अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर आप महसूस करेंगे कि ये महीना काफ़ी अच्छा आपके लिए रह रहा है। नौकरी करने वालों को बहुत मान सम्मान मिलने वाला है इस महीने में, कोई देखिए यहाँ पर काम खुद चलकर आपके पास आने वाला है, यानी कर्म क्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, कोई ऐसा बड़ा पद आपको मिल सकता है, आपके काम की सराहना हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। साथ ही दर्शकों, आपको कोई आपके कार्य क्षेत्र की वजह से कोई मेडल वगैरह भी मिल सकता है, ऐसे भी योग बन रहे हैं इस महीने। अब दर्शकों, बात कर लेते हैं व्यापारियों की, कि व्यापार इस महीने कैसा चलेगा।
देखिए, व्यापार भाव के मालिक खुद शनिदेव बनते हैं। शनिदेव व्यापार भाव में ही मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में। साथ में दशमेश शुक्र भी उनको देख रहे हैं। व्यापार बहुत ही शानदार चलने वाला है अक्टूबर के महीने में। व्यापार के देखिए कारक ग्रह होते हैं बुध, वो कि उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो लगभग 18 तारीख तक तो आपका व्यापार खूब दौड़ेगा। शानदार स्थिति है व्यापार के लिए। अप्रत्याशित लाभ आपको होने वाला है, आपने सोचा भी नहीं होगा उतना लाभ आपको व्यापार में अक्टूबर का महीना करवा के जाएगा। तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, आपके प्लान बनाने चाहिए कि व्यापार में आपको क्या करना है, कौन सी दिशा में ले जाना है व्यापार को। स्थितियाँ आपके फेवर में हैं, बहुत अच्छा इस महीने में व्यापार चलने वाला है। आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे, कोई नया टेंडर मिल सकता है, विदेश से जुड़कर कुछ काम कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। शनि से जुड़ा हुआ, शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी आपका काम है तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना बहुत शानदार है, एक तरह से आपकी उम्मीद से बढ़कर है। क्योंकि देखा जाए तो आय भाव के मालिक बनते हैं बुध और धन भाव के मालिक भी बनते हैं बुध, आपके धन भाव में बैठे हुए उच्च राशि में महाधनी योग बनाकर। तो देखा जाए तो इस महीने डेली इनकम बहुत अच्छी होगी, आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस महीने हो सकता है, कोई पारिवारिक विवाद था तो वो दूर हो जाएगा, उसके मामले में आपको संपत्ति प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, धन की स्थिति कहीं से भी कमज़ोर नहीं है अक्टूबर के महीने में। सिंह राशि वालों को ये महीना एक तरह से वरदान बनकर आ रहा है सिंह राशि वालों को, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, हर तरफ से चारों ओर से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। आपको लाभ इस चीज़ का उठाना चाहिए, कर्म करना चाहिए। देखिए, ग्रह हमारे फेवर में आते हैं परंतु जब हम कर्म नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे तो ये ग्रह हमें खुद कोई धन ला के नहीं देने वाले हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, परंतु आप मेहनत कर लेंगे तो अक्टूबर का महीना आपको आप भूलेंगे नहीं, साल का सबसे अच्छा महीना आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए दर्शकों, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए, परंतु देखिए शुक्र भी आपके लग्न में आए हैं तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। आपके फालतू के व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा किसी भी प्रकार के व्यसन में मत पड़ जाइएगा, नशे की लत थोड़ी लग सकती है, ऐसी भी स्थितियां बन रही है इस महीने। बाकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कोई चिंता करने की बात आपको नहीं है। अब दर्शकों, हम बात करते हैं कि इस महीने में आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए दर्शकों, प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, राहु के साथ में बैठे हुए हैं। साथ में देखा जाए तो शुक्र आपके लग्न में आए हैं। प्रेम संबंध देखा जाए तो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं इस महीने। आपके जो कोई तनाव चल रहे थे रिश्तों में, एक तरह से दूरियां आ गई थी या किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में बना हुआ था, तो यहाँ पर ये स्थितियाँ दूर होने वाली है। प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने, काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। अगर आप अपने साथी के साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसे भी योग बन रहे हैं। इस महीने दूरियां ख़त्म करने का समय है, पैचअप करने का समय है, काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है, लाभ उठाना चाहिए आपको। अब दर्शकों देख लेते हैं कि वैवाहिक जीवन इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सप्तमेश शनिदेव ही बनते हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए, साथ में शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि से दृष्ट हैं ये। देखा जाए तो वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छे समय आप बिताने वाले हैं जीवन साथी के साथ, बहुत अच्छा, एक तरह से कहीं घूमने जा सकते हैं, परिवार के साथ कहीं पर ट्रिप हो सकती है। देखा जाए तो जीवन साथी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। काफ़ी अच्छा समय आप घर परिवार में बिताने वाले हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेगा ये महीना, हसीन पल आप बिताने वाले हैं जीवन साथी के साथ में। देखिए दर्शकों, एक बात ये है कि 18 तारीख से आपके लग्नेश नीच राशि के हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए एक तरह से क्रोध को बढ़ाने वाले हैं, चिड़चिड़ापन आप में दे सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप फिर देखा जाए तो जीवन साथी का अपमान मत कर दीजिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा आपको, अन्यथा फिर महीने के अंत में रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जीवन साथी के साथ ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छे योग बने हुए हैं। दर्शकों, आपको 8, 9, 10 तारीख को सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ेंगे, फालतू में कहीं पर पैसा फंस सकता है, नुकसान धोखा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। तो 8, 9, 10 तारीख को आपको विशेष सावधान रहना होगा, कहीं पर धन आपका फंस सकता है। इसके बाद 22 और 23 तारीख को आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा,
क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा षष्ठ भाव में रहेंगे, हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है, कोई ना कोई आपको परेशानी हो सकती है। तो 22 और 23 तारीख को हेल्थ का ध्यान रखिए। 8, 9, 10, 22, 23 इन तारीखों को मार्क कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, यहाँ पर आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। अब दर्शकों हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना शुरुआत में तो सही है, परंतु जब सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे आपके लग्नेश यानी महीने के अंत में 19 तारीख के बाद में स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वहाँ पर आपको थोड़ी हड्डियों से जुड़ी हुई शिकायत हो सकती है, हड्डियों में दर्द रहना, पैरों के घुटनों में दर्द रहना, ऐसी शिकायत हो सकती है, आँखों में जलन होना, आँखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, ऐसी शिकायत बनने वाली है। तो इनका ध्यान रखिएगा आप। अगर आप कंप्यूटर वगैरह पे काम ज़्यादा करते हैं तो आँखों का विशेष ख्याल रखिएगा, दर्द की शिकायत ज़्यादा रह सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, महीना अच्छा निकल जाएगा। अब दर्शकों इस महीने को और भी शानदार बनाने के लिए उपाय क्या करने चाहिए आपको। एक तो देखिए आपको आपके लग्नेश सूर्यदेव हैं तो प्रतिदिन आप तो सूर्य को जल तो देते ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देते हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, साथ में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, जिससे आपको भाग्य का बल मिलने लगेगा। ये तीन उपाय जरूर करिए दर्शकों, आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों ये है हाल सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने का। इसके अलावा दर्शकों आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 9587091945। इन नंबरों के व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा मामूली से शुल्क अदा करने के बाद में। ठीक है दर्शकों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।